हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का गेम प्ले जो होने वाली है भाई बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि यहां पर आप लोग देख सकते हो एक साइड है हम लोगों का इंडियन कार्स का लाइनअप। चलो एक बार आप लोगों को ऊपर दिखाते हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो ट्रक भी है, ऑटो भी है, ट्रैक्टर्स भी है। दूसरे साइड है भाई पाकिस्तानी यहां पर कार्स, यहां पर आप लोग देख सकते हो इस साइड है बहुत सारा हम लोगों का पाकिस्तानी कार्स। एंड उसके साइड में है भाई इन पाकिस्तानी ट्रक एंड पाकिस्तानी ऑटो रिक्शा, पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स, बहुत कुछ है हम लोगों के पास। एंड भाई हम लोग आज करेंगे भाई सब बम्प वाटर चैलेंज, आई मीन वाटर बम्प चैलेंज। जैसे कि आप लोग यहां से भाई देख सकते हो ओवरऑल लुक थोड़ा करके भाई स्टार्ट होगा यहां से, छोटे से लेके भाई बड़े होते होते जाएगा भाई यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई, एंड इधर जाके तक हम लोगों का फिनिशिंग पॉइंट है। तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम प्ले है, क्योंकि यहां पर पानी का लहर तो आप लोग देख ही सकते हो भाई कितना ज्यादा है। एंड भाई बहुत ही ज्यादा पानी का लहर है भाई, बीच बीच में इतना ज्यादा गैप है ना भाई, मतलब खतरनाक वाला सीन होगा यहां पर। तो देखते हैं कौन सा इंडियन गाड़ी क्रॉस कर पाती है एंड कौन सा पाकिस्तानी गाड़ी। तो सबसे पहले लेते हैं क्विक इंडियन। So guys, अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं महिंद्रा थार 2021 मॉडल। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों का थार का परफॉर्मेंस। फिलहाल हम लोगों का गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल अभी बहुत ज्यादा कम है। थोड़ा स्लो तरीके से गाड़ी को लेकर चलते हैं, क्योंकि वाटर लेवल हम लोगों को ठीक से चेक करना है। यहाँ पर भी उतना भी कोई खास नहीं है। फिलहाल ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा लगी है सामने से, लेकिन क्रैश तो नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पानी रहता है, उतना भी कोई खास पानी नहीं था। मैं थोड़ा स्लो तरीके से ही चलता हूँ। अभी जाके जो पानी का लेवल होने वाली है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एंड भाई सब हम लोगों का एक लाइन भी कितना ज्यादा लंबा था। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आप लोग पानी का लेवल भाई साहब, ओहो ओहो भाई खतरनाक। लेकिन 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 भाई थार तो बनी है उस चीज का भाई, मतलब ये सब चीजों के लिए ही तो थार बनी है ना, वाटर वाटर टेस्ट करने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर भी कुछ ज्यादा ही पानी का लहर होगा एंड शायद से ओ भाई सब खतरनाक वाला यहाँ पर थोड़ा क्रैश के साथ। लेकिन भाई फाइनली 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 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों का महिंद्रा थार विनर लिस्ट पे आ चुकी है। तो गाइज इस गाड़ी को यहाँ पर गाइज करते हैं पार, चलते हैं लेते हैं नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। तो गाइज हम लोगों ने अपने इंडियन जीप तो ले लिया है, तो अभी देखते हैं पाकिस्तानी जीप यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर पाती है। फिलहाल आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का BJ40 भाई, इसका सस्पेंशन भाई मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी फिलहाल बहुत ही सही परफॉर्म कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं दे रही है अभी तक। देखते हैं आगे तक भाई कैसा इसका भी परफॉर्मेंस रहता है। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी भाई साहब एकदम, मतलब इसका जो सस्पेंशन है ना भाई, कहाँ से भी गाड़ी लग भी नहीं रहा आप लोग देख सकते हो। एंड भाई साहब वाटर लेवल अभी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अभी जाके भाई वाटर लेवल मस्त वाली होने वाली है। देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके रखी है वाटर लेवल, क्योंकि देखो भाई हम लोग का ऑटो रिक्शा भी है। देखेंगे भाई ऑटो रिक्शा भाई कितने पॉइंट तक आ पाती है। एंड यहाँ पर देखा आप लोगों ने भाई पाकिस्तान का BJ40 बहुत ही ज्यादा परफॉर्म, मतलब अच्छा कर रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एंड तक तो देखना पड़ेगा इसका परफॉर्मेंस। सो यहाँ से भी गाड़ी निकल चुकी है भाई, बहुत ही सही परफॉर्म किया, कोई भी दिक्कत नहीं दिया। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का भी गाइस हो चुकी है भाई साहब। इसका सस्पेंशन हम लोगों ने देखा भाई, दोनों चक्का भाई नीचे चल गया था, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी भाई ट्रैक तक आ गया। एंड भाई दोनों कंट्री का भी सेम पॉइंट हो चुकी है, लेते हैं भाई नेक्स्ट पाकिस्तान इंडियन गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो SL11। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर SL11 का परफॉर्मेंस। फिलहाल गाड़ी तो भाई बहुत ही स्मूथ है भाई, अब सबको ही पता है। एंड यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो इसका भी परफॉर्मेंस भाई सब कितना ज्यादा मक्खन है यार। अभी एंड तक देखते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी का लहर आ गया था, लेकिन 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 भाई सब यहाँ पर भी गाड़ी एकदम जंप ले लिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मतलब एक वाटर लेवल क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एकदम कम पानी था। यहाँ पर सामने जाके ही भाई पता चलेगा वाटर लेवल कैसा है कैसा नहीं। यहाँ पर टेस्ट भाई देखते हैं पास होता है या नहीं, क्योंकि दोनों ए वाला जो दोनों है ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड यहाँ पर भी भाई साहब ऐसा लगा कि मक्खन से भाई निकल गया। एंड जो जो भी है भाई देखते अभी जाके भाई और भी ज्यादा पानी का लहर है भाई। ये जो लास्ट वाला है भाई साहब देखते हैं यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर भी हम लोगों का स्कॉर्पियो S11 भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से निकल जाती है। तो फटाफट इस गाड़ी को भी यहाँ कर देते हैं पार, क्योंकि अभी हम लोगों को लेना है नेक्स्ट गाड़ी। एंड हाँ भाई इंडिया का हो चुकी है 2 पॉइंट। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भाई साहब टोयोटा हिलक्स 4x4 एक पिकअप ट्रक है। देखते यहाँ पर पिकअप ट्रक का परफॉर्मेंस। फिलहाल थोड़ा बहुत यहाँ पर पावर की कमी लग रही है दूसरे गाड़ी के, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरे गाड़ी का जो परफॉर्मेंस था ना एंड उसका जो पावर था थोड़ा फील हो रहा था, लेकिन इस गाड़ी का पावर उतना भी खास फील नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखते अभी बम तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर एंड लेट्स गो। ओ भाई साहब अभी थोड़ा स्लो तरीके से गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर लेवल भाई हम लोगों का जो टेस्ट है भाई एकदम बराबर तरीके से करना है। तो देखते हैं यहाँ पर गाड़ी तो भाई 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 बहुत ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इधर से भी गाड़ी भाई निकल चुकी है,
एंड देखते अभी जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले से भाई निकल पाती है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं भाई, एंड लेट्स गो, फुल स्पीड लगा दिया मैंने, देखते 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 एंड भाई साहब निकल चुके हैं भाई साहब। परफॉर्मेंस तो इसका भी बहुत ही सही रहा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। एंड आप लोग देख ही सकते हो पाकिस्तान का भी अभी हो चुकी है 2 पॉइंट्स। अरे भाई ये हिलक्स का न्यू मॉडल है भाई, मतलब न्यू मॉडल 2020 या 2019 का मॉडल है, मुझे उतना भी कोई खास पता नहीं है, आप लोगों को पता है तो जरूर बताना है। दोनों कंट्री का भी सेम पॉइंट चल रही है। तो गाइस अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो इन 2022 मॉडल। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों का स्कॉर्पियो का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फिलहाल हम लोगों का गाड़ी तो भाई बहुत ही खतरनाक वाले है, आप सबको ही पता है। एंड थोड़ा भाई यहाँ पर स्लो हो जाओ, थोड़ा स्लो कंट्रोल पे आ जाओ, एंड कंट्रोल पे आ भी गया। हम लोगों का स्कॉर्पियो S11 जो था ओल्ड मॉडल भाई, वो बहुत ही सही परफॉर्म किया। देखते हैं यहाँ पर S10 का परफॉर्मेंस भी भाई बहुत ही सही लग रही है, कोई भी दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन S11 में थोड़ा ना रॉ पावर है, मुझे फील हो रहा था जब मैं गाड़ी को ले जा रहा था ना, एकदम पानी को चीर के जा रहा था। तो देखते हैं यहाँ पर भी, एंड भाई यहाँ पर भी बहुत ही सही परफॉर्म किया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं अभी लास्ट वाले पे कैसा परफॉर्म कर पाती है गाड़ी। एंड यहाँ से भी गाड़ी, ओके लेट्स गो, यहाँ पर फुल स्पीड लगा दी हम लोगों ने। एंड ओ भाई निकल गया निकल गया निकल गया, गाड़ी बहुत ही सही परफॉर्म किया, यहाँ पर बहुत ही सही किया। एंड देख सकते हो आप लोग, देखते देखते भाई 1-2 एंड इसको लेके भाई सब 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। सो इसको भी गाइस कर देते हैं यहाँ पर पार्क, चलते भाई लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भाई एक सेडान मॉडल जो कि है हुंडई सोनाटा 2018 मॉडल है। देख लेते हैं यहाँ पर सोनाटा बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। एंड भाई साहब मुझे लगा था भाई यहाँ पर गाड़ी एकदम से क्रैश हो जाएगा, लेकिन नहीं, चलो गाड़ी तो बच गया, उतना भी कोई खास दिक्कत नहीं दिया भाई, निकल जाए तो ही सही है। मैं तो चाहता हूँ सब गाड़ी निकल जाए यहाँ से, लेकिन अभी वाटर लेवल देखते हैं भाई झेल पाता है या नहीं, क्योंकि भाई इसका जो हाइट है ना बहुत ही ज़्यादा कम है, तो भाई इंजन भी ऑब्वियसली नीचे है थोड़ा, तो पानी जल्द ही जाने का चांस है यहाँ पर। एंड अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं दिया, फ्रेश चल रही है गाड़ी, यहाँ पर दे सकती है दिक्कत क्योंकि भाई साहब खतरनाक खतरनाक। अभी भाई लास्ट वाले पे तो मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत कि कर जाए, क्योंकि पहले वाले से भाई लास्ट वाले पे थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी है। ओ भाई साहब खतरनाक खतरनाक सच में यार, फील आ गया भाई चलाने के बाद गाड़ी को, फील आ गया। जो भी है फटाफट इस गाड़ी को भी करते हैं पार्क, क्योंकि भाई दोनों कंट्री का भी सेम पॉइंट है, लेंगे अभी नेक्स्ट गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं हम लोगों का इंडिया की तरफ से भाई देसी गाड़ी जो कि महिंद्रा बुलेरो है। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों का बुलेरो का परफॉर्मेंस। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं अभी एंड तक। सो बॉयज गाड़ी तो बहुत ही सही चल रही है, एंड यहाँ से भी निकल चुकी है, एंड यहाँ पर तो उतना भी कोई खास पानी नहीं, अभी जाके हम लोगों का पानी का अंदाज पता चलेगा। यहाँ से भी निकल गया, कोई भाई बड़ी बात नहीं है अभी तक, एंड अभी जाके थोड़ा बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि देसी गाड़ी का परफॉर्मेंस तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा कि सेफ्टी से भाई गाड़ी चल पा रही है या नहीं। तो यहाँ पर भाई देख सकते हो बुलेरो भाई बहुत ही इजी यार, देसी किस चीज़ का है भाई, इस चीज़ का ही तो देसी नाम दिया सबने, क्योंकि गाड़ी का परफॉर्मेंस भाई ऑब्वियसली खतरनाक रहता है ना भाई। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्री से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी कंट्री को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। तो यार कोई भी दिल पे मत लेना भाई सब, ऐसे भी गेम है तो रियल लाइफ से कंपेयर मत करना है भाई। आप लोगों ने देखा लास्ट वाले पे जो बुलेरो ने परफॉर्म किया भाई, मतलब हैड्स ऑफ टू द कार भाई, मतलब खतरनाक परफॉर्म किया। एंड यहाँ पर इंडिया का हो चुके हैं 4 पॉइंट्स। तो गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाड़ी को लेकर चल रहे हैं जो कि भाई अल्फा रोमियो भाई। इसका साउंड भी बहुत ज़्यादा मस्त है, पावर भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर गाड़ी कैसे परफॉर्म कर पाती है। फिलहाल अभी तक तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं दे रही है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है। यहाँ पर भी भाई गाड़ी चढ़ ही जाएगा, एंड इसके बाद जो होने वाली है मतलब ए वाले क्रॉस करने के बाद, आप सबको तो पता ही है वहाँ पर जो लेवल रहता है पानी का बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तक तो भाई साहब कोई भी दिक्कत नहीं दिया, एंड अभी जाके दे सकती है थोड़ा बहुत। एंड भाई साहब 170-200 तक तो ओने गाड़ी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही सही भाई साहब। भाई साहब पानी का लहर थोड़ा कम हो गया था यहाँ पर, मैं जितना मैंने देखा, क्योंकि फर्स्ट उसके पहले वाले जो था ना भाई वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पानी था, लेकिन यहाँ पर भाई गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन भाई इसका भी हाइट थोड़ा कम है भाई, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का भी हो चुका है 1-2-3-4 पॉइंट्स, एंड इंडिया का भी भाई 4 पॉइंट्स है। तो गाइस अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं भाई शेर को। भाई साहब इसका जो लुक्स है भाई, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक्स है भाई, खतरनाक लुक्स। एंड यहाँ पर देख सकते हो फॉर्चुनर लीजेंडर अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से,
देख लेते हैं भाई इसका भी परफॉर्मेंस। फिलहाल मुझे गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसका भाई 50 लाख लगती है भाई इस गाड़ी को खरीदने के लिए। देख लेते हैं भाई अभी 50 लाख देने के बाद भी ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर पाती है। लेकिन भाई ऐसे भी गेम है, रियल लाइफ से कंपेयर मत करना भाई लोग, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती चलता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ओह गाड़ी क्रैश हो गया। ओह भाई साहब, ओह नहीं भाई, इसे ऊपर करते पहले। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वापस से हम लोग लेके चल रहे हैं इसे। एंड भाई गाड़ी हम लोगों का तो क्रैश हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर भाई साहब लीजेंडर तो लीजेंडर है भाई। देखो क्रैश होने के बाद भी गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी देखो भाई, तो कितना ज़्यादा मस्त है। थोड़ा बहुत छत से डैमेज आया, एंड सामने से भी उतना भी खास डैमेज नहीं आया, थोड़ा छत से ही है भाई लेफ्ट साइड में, एंड उतना भी कोई खास दिक्कत नहीं दिया यहाँ पर उतना खतरनाक वाला क्रैश होने के बाद भी। एंड भाई देखो वाटर टेस्ट भी देखो भाई, मक्खन ब्रो मक्खन, मतलब खतरनाक मजेदार जो भी है भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 1, 2, 3, 4 एंड इंडिया का भाई अभी जाके 5 पॉइंट हो चुकी है। तो ओहो भाई थर से लग गया, कोई बात नहीं है, गुस्सा वाला कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत लगती है अपन का ही सब गाड़ी है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। पर 5 पॉइंट हो चुके हैं इंडिया का भाई, आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का ही अभी 4 पॉइंट तो लेते हैं भाई नेक्स्ट कोई गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं जंपिंग किंग भाई साहब आउटलैंडर। तो इसका जो जंप रहता है ना, अभी मैं इधर से जंप लूँ ना भाई, गाड़ी सीधा फिनिशिंग पॉइंट तक जाके गिरेगा, क्योंकि इसके अंदर भाई पावर तो सेम ही है जैसा कि हम लोगों का थार के अंदर पावर है भाई 290-300 कभी कभी चला जाता है, तो ये गाड़ी भी वैसा ही सेम चला जाता है। लेकिन गाड़ी इतना ज़्यादा हल्की है ना, गाड़ी किधर तक चली जाती है। एंड देखो भाई देखो, मैं मतलब एक्सीलेटर छोड़ दिया उसके बाद भी कितना स्मूथ, देखो यार इतना स्मूथ कैसे हो सकती है। तो खैर वो सब तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर वाटर टेस्ट देख लेते हैं। वाटर टेस्ट भाई साहब खतरनाक, थोड़ा बहुत पीछे से आप लोग देख सकते हो डैमेज आ चुकी है, कहाँ से लगी है मुझे नहीं पता, लेकिन डैमेज आ गई भाई, हल्की गाड़ी है ना तो ओके। ओ हो यहाँ पर जाके गाड़ी बंद हो गया, क्योंकि पानी का लहर खतरनाक वाला आ गया था, गाड़ी इतना ज़्यादा फोर्स से निकली है ना, पानी एकदम से अंदर चला गया। तो ये गाड़ी बाहर करते हैं भाई, लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग अपने इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे हैं अपना इंडियन ट्रैक्टर का, एंड देखते भाई यहाँ पर हम लोगों का ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस। फिलहाल ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मक्खन का हाइड्रोलिक्स भाई, इतना ज़्यादा ट्रैक्टर का मस्त होते हैं ना, मतलब खतरनाक से खतरनाक भाई, यहाँ पर बम चैलेंज कर सकती है ट्रैक्टर। लेकिन भाई ट्रैक्टर हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं दे रही है। पहले मैं ट्रैक्टर्स लेता था भाई हिल क्लाइम के अंदर, मतलब हिल क्लाइम जो एंड्रॉयड गेम होता है ना भाई, उससे मैं खेलता था। अभी देखो यहाँ पर हम लोग पीसी पे खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा स्मूथनेस आती है, मज़ा आती है भाई। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा फील होती है भाई, आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग भी देख रहे हो भाई, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं भी जब देखता था भाई गेम प्ले भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पर देख सकते तुम लोग का ट्रैक्टर्स कितना ज़्यादा स्लिप कर रही है भाई, भाई साहब चढ़ जाए सिर्फ भाई चढ़ जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही चढ़ो लेकिन चढ़ जाओ, ऐसे ही चढ़ो लेकिन चढ़ जाओ। उफ 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 ओ चढ़ जा, ओ भाई खतरनाक, मुझे लगा था चढ़ेगा नहीं। अभी जाके वाटर टेस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि वाटर टेस्ट यहाँ पर खतरनाक वाला है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब निकल जा निकल जा निकल जा। ओ भाई पानी से कैसे निकला यार, मतलब आउटलैंडर से भी स्मूथ निकला भाई, आप लोगों ने देखा यार, मैं मतलब नोटिस किया वो ट्रैक्टर जो है ना यहाँ पर बहुत ही स्मूथ निकलता है पानी के अंदर से। पिछले वाले वीडियो में भी देखा भाई ट्रैक्टर बहुत ही स्मूथ, देखो भाई भाई देखो कैसे स्मूथ निकल गया भाई साहब खतरनाक। यहाँ पर मुझे लगा था गाड़ी क्लाइंबिंग टेस्ट में फेल हो जाएगा, लेकिन गाइस नहीं भाई यहाँ पर क्लाइंबिंग टेस्ट में फेल नहीं हुआ। जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया का हो चुके भाई साहब 1, 2, 3, 4, 5 एंड इसको लेके भाई सब 6 पॉइंट, तो इसको यहाँ पर करते हैं पार्क। एंड पाकिस्तान के भाई 1, 2, 3, 4 पॉइंट तो लेते हैं भाई नेक्स्ट गाड़ी। तो गाइज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी ट्रैक्टर के, एंड देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी ट्रैक्टर कैसा परफॉर्म करवाती है। पाकिस्तानी ट्रैक्टर भी देखो भाई वाटर से बहुत ही स्मूथ निकल जा रही है, मतलब गाड़ी थोड़ा अटक जा रही है, वैसे भी नहीं है कोई भी नहीं है यहाँ पर, एकदम लग रही है नॉर्मल सी ट्रैक पे ऊपर चल रही है। तो क्लाइंबिंग टेस्ट भाई देखना पड़ेगा, ये सब में तो नॉर्मल है चढ़ जा रही है, एंड भाई एंड में देखेंगे इस वाले जो बड़े वाले क्लाइंबिंग है ना भाई, उस पर देखेंगे कैसे रहता है इसका भी परफॉर्मेंस। थोड़ा स्लो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल प्रॉपर करना है हम लोगों को, आई मीन वाटर टेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी तो चढ़ तो रही है भाई 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 भाई, 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 भाई गिरना जा गिरना ले रही है, टॉर्क ले रही है, लेकिन भाई टॉर्क यहाँ पर काम नहीं किया, टायर बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया। एंड गाड़ी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे साइड जा रही है, एंड फेल हो गया ये वाला गाड़ी। तो इसको भी करते हैं भाई बाहर, एंड लेते हैं भाई नेक्स्ट गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडियन ऑटो रिक्शा को, तो देखते भाई यहाँ पर हम लोगों का इंडियन ऑटो रिक्शा कैसे परफॉर्म करवाती है। फिलहाल वाटर टेस्ट पे तो भाई चलो सही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं दिया, यहाँ पर भी सही निकल गया,
छोटे वाले बम पे तो भाई ऐसे ही चढ़ जा रही है, बड़े वाले भाई बम पे कैसे चढ़ेगा। यहाँ पर ही दम तोड़ दिया भाई, तब यह बड़ी दम तोड़ दिया भाई बड़े वाले पे, क्या ही मतलब अब क्या ही बताऊँ मैं। तो ये गाड़ी भी फेल हो गया। तो गाइस जब हम लोग पाकिस्तान की तरफ से भी लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी ऑटो रिक्शा को, एंड देख लेते हैं यहाँ पर भाई पाकिस्तान का ऑटो रिक्शा कैसा परफॉर्म कर पाती है। फिलहाल यहाँ पर पावर तो उतना भी खास दिखने मिल नहीं रहा, एंड निकल जाए तो वही सही है। ओ भाई यहाँ पर गाड़ी चढ़ने में इतना ज़्यादा दिक्कत दे दिया, यहाँ पर कैसे ही चढ़ेगा अभी भाई सब देख लेते हैं फिर भी। ओहो और नहीं चढ़ पाएगा, तो ये गाड़ी भी फेल हो गया, ऐसा करते हैं भाई बाहर। तो गाइस जब हम लोग इंडिया की तरफ से लेके चल रहे हैं भाई अपना सीडान गाड़ी जो कि होंडा सिटी 2022 मॉडल है, तो देख लेते हैं यहाँ पर होंडा सिटी कैसा का परफॉर्म कर पाती है। फिलहाल गाड़ी यहाँ पर हम लोगों का अच्छा खासा चल रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्मूथ एकदम स्मूथ। पाकिस्तान का तो सीडान गाड़ी भाई बहुत ही स्मूथ परफॉर्म किया होंडा सोनाटा, एंड निकल गया था। यहाँ पर भाई शीशा टूट गया भाई साहब, थोड़ा अंदर पानी जाने का चांस ज़्यादा है अभी, लेकिन यहाँ पर भी गाड़ी ओ थोड़ा दिक्कत दे रही है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है भाई। अभी देखने वाला बात है क्या गाड़ी निकल पाएगा या नहीं, तो भाई निकल जाए सिर्फ यही मतलब मेरा उम्मीद है। देखते 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 है, ओके निकल चुकी है भाई साहब निकल चुकी है। ओहो लास्ट वाला थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, देख लेते फिर भी। पर भाई अभी तो थोड़ा चांस लग रही है कि निकल जाए, पानी का लहर अभी कम है एंड ओ भाई निकल गया। पानी का लहर कम था, गाड़ी का लक अच्छा था, पानी से तो अभी हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है, कभी बढ़ता रहता है कभी कमता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया का हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6, एंड इसको लेकर गाइस 7 पॉइंट, तो इसको यहाँ पर करते हैं पार्क। चलते भाई लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा इंडिया का तो 7 पॉइंट चल रही है, पाकिस्तान का भाई 4 पॉइंट है, तो देखते हैं क्या हम लोगों का टोयोटा लैंड क्रूजर यहाँ पर निकल पाएगा या नहीं। भाई मतलब लैंड क्रूजर है भाई इसका नाम, ये गाड़ी अगर निकल नहीं पाएगा ना मतलब मैं गेम छोड़ दूंगा, जाओ भाई मैं गेम छोड़ दूंगा। यहाँ पर आप लोग देखो भाई साहब लैंड क्रूजर है, ये खतरनाक गाड़ी है भाई, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब लैंड क्रूजर का प्राइस भाई बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी वही है ना, एंड इसका अंदर जो स्मूथनेस है भाई साहब बैक गियर पे ही निकलेंगे भाई गाड़ी को। ओहो भाई 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 ऊपर करते पहले। तो गाइस जब हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे टोयोटा लैंड क्रूजर, बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल गाड़ी है, बहुत ही खतरनाक वाला गाड़ी है, देख लेते हैं यहाँ पर इसका भी परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फिलहाल इसका जो सस्पेंशन है ना भाई बहुत ही मस्त है, मस्त, लेकिन थोड़ा स्लो हो जा मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, ओहो ओहो गाड़ी लेकिन खतरनाक गाड़ी है भाई, बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल गाड़ी है। एंड भाई लुक्स भाई नो डाउट बहुत ही सही है यहाँ पर, मतलब गाड़ी भाई ऑल इन ऑन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है मेरे हिसाब से, एंड प्राइस भी इसका मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई है, भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनर से भी ज़्यादा है, फॉर्चुनर का टॉप मॉडल जो होता है भाई उससे भी ज़्यादा। तो जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लैंड क्रूजर भाई सही है यार, मतलब इस गाड़ी के आगे भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे गाड़ी भी है ना फेल है, खतरनाक गाड़ी है, क्योंकि इसका जो मतलब रोड प्रेजेंस है ना भाई बहुत ही ज़्यादा। ओह थोड़ा यहाँ पर क्रैश हो गया, लेकिन गाड़ी भाई यहाँ पर भाई पलट गया, इसे सीधा करते हैं, गाड़ी तो क्रॉस कर गया, ऑन है अभी भी आप लोग देख सकते हो। देखो तो यहाँ पर हम लोगों का देखो गाड़ी अभी भी ऑन है, आप लोगों ने जैसे देखा फिलहाल यहाँ पर लैंड क्रूजर तो विनर लिस्ट पे आ गया। गेट लग जा मेरा भाई, वो भाई ड्रिफ्ट के साथ मैंने गेट बंद कर दिया। जो भी अभी जाके पाकिस्तान का हुआ है 1 2 3 4 5, लेकिन भाई पाकिस्तान का इंडिया का ऑलरेडी 7 पॉइंट है। तो गाइस इंडिया की तरफ से अभी लास्ट गाड़ी लेकर चल रहे हैं जो कि हम लोगों के पास है इंडियन ट्रक, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर। ट्रक तो वैसे वाटर क्रॉसिंग बहुत ही सही कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंबिंग चैलेंज है वहाँ पर होने का थोड़ा बहुत दिक्कत, क्योंकि भाई ट्रक वैसे ही वेट पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर ही पता चल जाएगा। गाड़ी यहाँ पर तो अच्छा खासा चढ़ गया, अच्छा खासा नहीं कहेंगे डिसेंट स्पीड था, एंड यहाँ पर देखते हैं थोड़ा बहुत अभी, एंड यहाँ से भी गाड़ी 30 के स्पीड में अराउंड चढ़ गया। नहीं भाई चढ़ नहीं पाएगा अभी जो है सीन, चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर ओहो भाई पूरा दम लगा दिया, मैं तो शौक हूँ भाई, अभी पूरा दम लगा दिया ट्रक ने, थोड़ा बहुत मैं अच्छे से मतलब प्यार से टायर को मोड़ रहा हूँ भाई साहब, भाई इंडियन ट्रक को भाई मतलब हैट्स ऑफ यार भाई साहब, ओ क्या सही परफॉर्म किया भाई, अभी तो वहीं चढ़ जाएगा, उतना खतरनाक वाला क्लाइंबिंग कर लिया यहाँ पर, क्या चढ़ मतलब नामुमकिन तो नहीं है ऑब्वियसली भाई, बहुत ही सही परफॉर्म किया यहाँ पर, बहुत ही सही बहुत ही खतरनाक वाला परफॉर्म किया, मस्त मज़ा आ गया।
अरे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया का हो चुकी है भाई अभी जाके 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसको लेके भाई साहब 8 पॉइंट। तो फटाफट इसे भी कर देते हैं यहाँ पर पार्क, चलते भाई लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी ट्रक। तो गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान का ट्रक को लेकर चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी ट्रक कैसा परफॉर्म कर पाती है। फिलहाल पाकिस्तानी ट्रक भी भाई बहुत ही अच्छा खासा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। सिर्फ क्लाइंबिंग चैलेंज देख लेते हैं यहाँ पर कैसा कर पाता है। गाड़ी का अगर टॉर्क अच्छा खासा होगा, गाड़ी नहीं मतलब ट्रक का अगर मतलब यहाँ पर, ओ भाई यहाँ पर ही गाड़ी नहीं कर पाया भाई साहब, मतलब गजब बेइज्जती है भाई। थोड़ा पीछे करके फिर से देखूंगा क्या बातों बातों में थोड़ा बहुत गलती हो गया यार, देखते हैं फिर से। ओके नहीं चढ़ गया, चढ़ गया चढ़ गया, नहीं यार नहीं चढ़ पाया। ओ भाई साहब यहाँ पर आप लोगों ने देखा फेल हो गया। तो जो भी है यहाँ पर इंडिया का तो 8 पॉइंट था, लेकिन पाकिस्तान का भाई 5 पॉइंट पर ही अटक गया। तो यहाँ पर इंडिया तो गेम के अंदर जीत गया, लेकिन भाई हारना जितना लग रहा है सिर्फ एक गेम है भाई। आज के लिए वीडियो से भी नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तो टाटा बाय बाय।